पिछले 2-3 2-4 दिन से ये फाइटिंग देख रहा हूँ मेरी फेक आईडी से। आज मुझसे रहा नहीं गया। देखो अंजलि, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मुंह पे बोलता हूँ भाई, अंजलि सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा जी, और मैंने सबूत दे दिए मेरी नहीं है तो फिर क्या करोगे? देखो अब तुम्हारे, देखो अब सबूत तुमने क्या छुपा के रखे, अब तुम छुपा के रखोगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा बताओ। मैंने तो दिखाई है उसको, दिखाई गोल्डी को, मेरे पास कॉल आई है, दिखाया है मैंने सब अरे कुछ। लेकिन, अरे गोल्डी को पता चलेगा ना कि तुम सच हो इंस्टाग्राम। अब मुझे भी ऐसा ही लगा कि आप गलत हो, क्योंकि सबूत आपने लोगों को दिखाए नहीं। चलो मेरी बात सुनो। अच्छा जी, आपकी आपकी नजरों में बुरी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन बुरी अरे बताता है कौन यार गलत मेरी बताता है। सुनो, मेरी नजरों में अच्छा बुरा होने से क्या होगा बताओ? और इसकी शक्ल किसी से मिलती है? ये जो बैठा है वो, इसकी बनोड़ी शक्ल जी, क्या नाम है उसका, एक मिनट याद आने दो। वो कौवा बीजानी वाला कौन हीरो है? वो हाँ सही कौवा पकड़े हो। बीजानी, हाँ उससे मिलते हाँ इसकी शक्ल। हाँ आज से 4 दिन पहले मैं भी देख रही थी कि नीचे से गोल्डी देख हंस रहा है, पतंगे लगा रहा है, डांस कर रहा है लाइव में, मैं भी देख रही थी 4-5 दिन पहले। अरे नहीं, ये बंदे की बात कर रहा हूँ, ये कौवा बिरयानी वाला कौन सा था यार वो, मैं भूल अरे गया। मुझे तो, मुझे अंजलि पता है, मुझे तो आज ही पता चला तेरे से मैटर, मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे बस क्यों कोई क्यों नहीं, इनकी तुझे पता था पता कि भी कुछ फालतू क्यों इनसे अंजलि लड़ाई मैटर हो रही है। करती नहीं है। मुझे पता ही नहीं था क्यों इनका मैटर आ रहा था मेरे नजरों में, भाई देख क्यों ही ना लाइवों में कोई, नीचे अब लोग क्यों गाली दे इनकी रहे नहीं मेरे को पता फर्क कौन नहीं क्यों ही नहीं। पड़ता, लेकिन एक इंसान मेरे को पर्सनल कॉल करके गाली दे तो मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। अब खत्म, अब होगी ना, अब बात होगी, तेने बोल दिया वहां, उन्होंने बोल दिया, बात ही खत्म, सीधी तो बात है। गोल्डी जी, एक अपने अलावा है ना, हर कोई दूसरा इंसान हर किसी को गलत लगता है, चाहे वो राम हो, जब भी गलत लगेगा। आप छोड़ दो, कोई बात ही ना करो। अब पनौड़ी से बात करो तुम, पनौड़ी क्या कहना चाह रहा है। हाँ दित्य यार, पनौड़ी से, बता यार। पनौड़ी से बात करें, पनौड़ी से मेरी काफी बार बातें हुई हैं, सुमित जी की लाइव में भी हुई हैं और कईयों की लाइव में मेरी काफी बार बातें हुई हैं। अरे देखो बहन, बात होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन गलती तुम्हारी है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि वो बंदी क्या नाम था उसका, पारुल, और दूसरी लड़की का नाम भूल गया मैं, किरण, अच्छा जी, 1850। करूंगा लड्डू मेरे को भाई तुम्हारे अभी तक की धमकी दी है, मेरे को तो फिर एफआईआर कर देना चाहिए, मेरे को मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे को तो तक। अरे एफआईआर कर नहीं, वो देना एक दूसरा चाहिए। बंदा है ना, वो कपिल नाम का बंदा है, कपिल, 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 राइट? हाँ कपिल हाँ गुजर। तो वो, हाँ तो वो लोग उन लोगों की लाइव में फेक आईडी से देख रहा था, तो उस दिन, थैंक्स, तो वहां पे मैं तो जो उस दिन लाइव में सारी, थी नहीं, मैं तो सो रही थी, मेरे को तो जगाया करूंगा गया साढ़े चार बजे करूंगा कॉल करके, मैं तो करूंगा थी नहीं उस दिन लाइव में। यार। देखो मैं तो अंजलि ये मानता हूं कि यार देखो, लड़ना हमारा धर्म होता है, अगर तुम सच्ची हो भाई, मैं तो भाई सच जब के मैं लिए सच्ची लड़ता हूँ हूँ। तो सुनो, पनोड़ी जी की बात पूरी करी, मैं सच्ची हूँ ना, मेरे को 5-6 लोगों से मारने की धमकियां मिली, मैं तो तो फिर खाली देखो में खड़ी यार, हो देखो जाती भाई, हूँ। मुझे हजारों लोगों ने धमकियां दी है, तुम्हें क्या लगता है मैं इंडिया आऊंगा तो मैं जिंदा वापिस आऊंगा? पर्सनल कॉल करके दिए मेरे को तो। फिर भी आज तक मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हुआ हूं, तो अगर तुम सच्ची हो तो तुम सच्चाई के लिए लड़ो। मैं अगर तो आज देखो भाई, ब्लॉक कर दूंगी, ये कर दूंगी, उससे कुछ नहीं होता मेरी है, बात ब्लॉक सुनो ब्लॉक पनोड़ी करने से। जी, देखो मैं एक बात कहूंगी, मेरे लिए ना मेरे भाई सब कुछ है, एक लौता भाई, उसने कहा कि मेरी बहन तुझे मेरी कसम है, ब्लॉक तो ब्लॉक, तो भाई मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है। अरे तुमने ब्लॉक कर दिया, इट्स ओके, लेकिन तुम ऐसे सच्चाई के, तुम अगर तुम मानती हो कि तुम सच्ची हो, तो फिर तुम झूठे लोगों के सामने हार कैसे सकती हो बहन? झूठे लोग, क्या बात है पनोड़ी जी, वाह वाह वाह, आपकी तारीफ की जाए इस बात पे, 1,000 रुपए आपके ऊपर कुर्बान, क्या बात है। अरे उसमें कुर्बानी की कोई बात ही नहीं यार, मैं तो, अगर तुम्हें, तुम सच्ची हो के नहीं हो, वो बात अपने 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 आत्मा से पूछो, अपने दिल से पूछो, दुनिया। हाँ मैं नू कहूँ पनोड़ी जी, मैं सर्फ एक्सल तो हूं ना, सीधी सी बात है, ठीक हाँ है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहूँ, मैं सर्फ एक्सल नहीं हूँ। हाँ तो आप सर्फ एक्सल नहीं हो तो आप निरमा पाउडर हो, ठीक है, पहले इस्तेमाल करो मैंने फिर तो, विश्वास करो, जिसने मैं मुझे ये समझ बोला ना गया। पर्सनल में कॉल करके, मेरी बात सुना, उसने बोला तू रंडी,
मैं रंडी नहीं हूँ, मां रंडी हूँ। जब अपने वाले पे आऊंगी तो मैं बहुत कुछ कर दूंगी। मेरे को ये फालतू तो की आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा का रूप ले लो, मैं ये चाहता हूँ। तुम ऐसे चाहते हो, मुझे पता है आप चाहते हो, आप मुझे पता चाहते हो। आपकी आज से लाइव नहीं देख रही, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मुझे आप पता चाहते हो। भाई मुझे ये सुनो, सुनो मुझे ये बताओ, तुम दोनों में फाइटिंग होगी उससे मुझे क्या फायदा होगा बताओ? तुम बस रहने दो, आप बहुत लोग होते, तुम तो जब सोल्यूशन भी करवाते हो ना वो भी फाइटिंग में करवाते हो। अरे नहीं, मेरी लाइफ पे सॉल्यूशन मुझे करवाना, मेरे पास इतने सारे खेले स्पेंडिंग में, ये तो नवरात्रि की वजह से मैं खेले चला नहीं रहा हूँ, वरना मुझे खेलों की जरूरत ही नहीं है। पर देखो यार, अब जब अब तक की कहानी जो मैंने तुम्हारी भी लाइव देखी, अरे परवाड़ी तू खत्म ही करवाएंगे, एक बार लाइव से उतर जा, आओ एक बार बात करेंगे, खत्म करवाना है तो। अरे मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से डीएम बीएम में, भाई मैं क्यों बात करूं, मैं कौन होता हूं बात करने वाला? आज नहीं उतर जा तू, ये कर देगा दे, ये भाई साहब बहुत कैडी चीज है। मुझे पता है कितनी कैडी चीज है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। आज से नहीं देख रही, 3 साल से इनकी लाइफ देख रही हूँ। ये एक नंबर का बंदा है, कर तू कूल। एक मिनट चंद्री जी, भाई कौवा बिरिया नहीं, तू अपने होके की कसम खा के बोल, ठीक है? तू जिससे प्यार करता है उसकी तुझे कसम है कौवा बिरयानी। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है तेरे दिल पे हाथ रख के बोलियो तू, तेरी शादी हुई है तो तुझे तेरे बीवी बच्चों की कसम है। भाई देख, इंडिया में आधी रात हो रही है, नवरात्रा चल रहा है, झूठ मत बोलना। भाई ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें 75% गलती किसकी है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। सुन कौवा बिरयानी, जो सच है वो बोलियो। सुनो उसकी बात तो सुनो पहले, तभी तो बोलना। एक तो मेरा नाम संजू है भाई, ठीक है? ओके भाई ओके। अरे उसकी तरह दिखता है यार, वो हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसीलिए पता है। अंजलि का तो कोई मैटर ही नहीं था इसमें, अंजलि का कोई रोल नहीं था। हाँ। ये लड़ाई थी किसी और की। हाँ। और ये लास्ट में आ गई अंजलि के ऊपर। सुन लो, इसीलिए तो मैंने बोला कि गलती सारी तेरी है अंजलि, मैं पागल थोड़ी हूँ। मेरा कोई मैटर ही नहीं था तो मेरे ऊपर क्यों आई? बात कर लो, कर लो तुम बात। अरे तुम पे क्यों आई, वो तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम पे क्यों आई मैटर। लड़ाई जैसे किसी और की स्टार्ट हुई थी और फिर लास्ट में अंजलि की आ गई, अंजलि की और उनकी हो गई दोनों की। मैंने रात आके कही थी भाई जिसका मैटर वो अपने आप सुलझा, मेरे को पर्सनल कॉल करके फिर गाली दे रही है। मैं तुम्हें कहा तूने ये क्यों बोला भाई, मैं क्यों पढ़ू किसी के बीच में? मेरे को जब गाली दी है, मैं जब बोल रही हूँ पर्सनल में, मेरे को गाली दी है मैं जब बोल रही हूँ। लड्डू हारने को ले लू ना, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ अंजरी बहन आपको कि मैंने क्या बोला कि मैं कब से ये कंट्रोवर्सी आपकी फेक आईडी से। सुनो मेरे भाई, आप मेरे को आप बहन बोल रहे हो भाई, एक बात सुनना, छोटी सी बात करूं। आपको पर्सनल कॉल करके जिद बहस, बार 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 कॉल पे आ लाइव में भी मैं क्यों आऊं, मैं सो रही हूँ तो। और फिर किसी के बारे में गलत बोला जा रहा है भाई, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। मैंने कहा तूने जब तुम्हारा मैटर तुम सुलटा, मेरे नाम लेने के बीच में जरूरत नहीं है, ठीक है? पर्सनल में फिर आपको गाली मिलती है उस चीज की, तो आप क्या करोगे? छोटी सी बात बताऊं तो मैं बहन आपको वही बोल रहा हूँ कि जिस चीज का आपका लेना देना नहीं था उस चीज के अंदर आपको घसीटा गया, तो आपको लगता नहीं है कि आपको लड़ना चाहिए? मैं ना भाई एक मिनट, भाई साहब भाई साहब आपका नाम क्या है, ये जो नए एडियो है उनका? लाडू नाम भाई, मेरा लाडू नाम है भाई। लाडू तू मुझे ये बता, मैंने जो चीज ये अंजलि बहन को बोली है गलत बोली या सच बोली? सच बता भाई, सही बोली है भाई, सही बोली है भाई, तुमने ठीक बोली है। लेकिन मेरे भाई ने जब कह दिया, एक मिनट भाई, कौवा बिरयानी अब तू मुझे बता, मैंने सच बोला या गलत बोला, सच बता। सही कहे भाई, सही कहे। चलो भाई रोम रोम, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया भाई। मैं तो समझ गया साला है ना, सच्चाई की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ये तो साला ये बात हो गई कि सच्चे प्यार की कोई औकात ही नहीं है, साला जगह जगह पे जो मुंह मारता है ना। नवरात्रे चल रही है, मेरी दुआएं हैं आपको, आपका सच्चा प्यार मिल जाए। भाई बात तो सुन लो, सच्चाई की कोई इस दुनिया में वैल्यू नहीं है, साला मेरा तो विश्वास उठ गया। जो सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, जो जगह जगह पे मुंह मारता है ना, आज के टाइम में साला वही खुश है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है? ये तो सच है, चलो भाई ये सच बात है।
भाई देखो, मैं तो अंजलि बहन आपको फाइटर मानता था, मैं तो आपको पिछले 2-4 महीने से जानता हूँ, लेकिन मेरा आपसे विश्वास उठ गया भाई कि यह तुम्हारी गलती। आप 2-4 महीने से जानते हो, लेकिन मैंने जब आप डांस करती हो ना, जब आप डांस करती हो, मैंने हमेशा नीचे कमेंट की है कि सी इज अ रियली गुड डांसर, क्योंकि मैं टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए अमीर गरीब कोई कुछ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ टैलेंट की। लेकिन यार अंजलि सही में आई एम रियली अपसेट बड़ी। चलो बाय भाई, आगे तुम्हें जो सही लगे अंजलि तुम करो, बट यार आई एम रियली अपसेट। चलो बाय, राम राम भाई। कोई बात नहीं, आप अपसेट ना होए। बाकी देख वो सही कह गया तने यार, तू पीछे हट रही है अंजलि, सही बताओ। मैं यार लड्डू हद की बात है, मेरे लिए मेरे भाई सब कुछ है यार, हद है। अरे वो तो ठीक है, उस वाली बात पे ना कह रहा मैं, भाई कह रहा हूँ। हाँ भाई छोटे, सुना दे क्या हाल है तेरे। राम राम भाई, राम राम भाई।